हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो में माशाल्लाह हम लोग दो बकरे दिखा रहे हैं। ये दोनों भी माशाल्लाह काफी अच्छे बकरे हैं। इसमें से एक अवेलेबल है सेल के लिए, एक नहीं है, इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा कस्टमर आएगा तो इंशाल्लाह उन्होंने बोला है दे देंगे। तो माशाल्लाह पहले आते हैं ये बकरे पे। कारोली कोटा है जी भाई, कारोली। सलमान भाई थोड़ा बताइए बकरे के बारे में, आपकी फेवरेट ब्रीड है? मेरी फेवरेट ब्रीड है कोटा और ऊपर से कारोली, और कारोली कोटा मुझे बहुत पसंद है जी माशाल्लाह। वो हिसाब से अपना मतलब अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट बकरा था परचेज का, तो वो हिसाब से है भाई। तो परचेज का फर्स्ट बकरा था, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था जो आपने परचेज किया? सेटिस्फाइड थे परचेज? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सेटिस्फाइड था मैं, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रेडियंट लिया था इसने भी जी, बट थोड़े हालात के वजह से कम हो गए, जैसे मैंने पहले वीडियो में वही रीजन भी सेम रीजन की वजह से भाई सब बकरे ये हुए। मतलब आपने सभी बकरे फार्म पे दे दिए थे? एक ही फार्म पे दिया था भाई सभी बकरे। तो ऐसा क्या हुआ कि फार्म पे कि बकरे सभी टूट गए? पता नहीं भाई, अब अल्लाह बेहतर जानता है। हमने पूछा तो बोले कि नहीं बकरे मतलब सब बीमार पड़ रहे हैं जी। एवरी वीक मैं विजिट करता था वो फार्म पे जहाँ पे हमने बकरे दिए थे, और जब भी मैं जाता था वहाँ पे जो ओनर्स थे वो रहते थे ओके, सिर्फ लेबर्स रहते थे और उनका काम था सिर्फ सफाई करने का। अच्छा। और मैं उनको इसके डाइट वगैरह के बारे में पूछता था कि क्या डाल रहे क्या खिला रहे, तो उनको कुछ पता नहीं था। और मेरे सामने मतलब पत्ते भी, वो हरी पत्ती जो झाड़ पे जो उगती है वो एक एक दो दो डांडी खरीद रखते थे। तो मतलब इन लोगों को खाना वगैरह मिला नहीं? नहीं मिला। तो खाना भी नहीं मिला, और ओनर्स अभी फार्म है तो ओनर्स का काम है कि बकरे का आके हाँ। देखना, लेबर्स लोग जो है उनकी साफ सफाई का काम है वो करके निकल जाते हैं, वो तो है, वहाँ पे ओनर्स आते थे ही नहीं। तो आमिर भाई जब ये अपने पास वापस आया जो दूसरे फार्म से अपने फार्म पे आया, तो कुछ चेंजेस वगैरह हुए बकरे में? आप बहुत चेंज हुए भाई, हर बकरे में चेंज हुए, हर बकरे में। स्टार्टिंग में तो भाई मतलब अपने को भी 3-4 दिन परेशान था एडजस्ट होने में, खाना वाना नहीं उठा रहे थे। फिर अपन ने उनका मतलब 4-5 दिन का जो नॉर्मली रोग के लिए ट्रीटमेंट होता है वो किए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब अभी काफी खाना भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से उठा रहे, और अपने को रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। मतलब अगर कोई सामने पूछेगा भी ना तो अपने पास पुराने फोटो है, एक महीने पहले वाले, अपन बता सकते कि भाई ये समवट 1 अप्रैल 2 अप्रैल को क्या थे और अभी मतलब मई में क्या हो। तो वेट पे हम लोग ने बकरा दिए थे फार्म पे जी, हर बकरा एवरेज बता रहा हूँ, हर बकरा एक एक बकरा 10-10, 12-12 किलो वेट तोड़ के आया, रिवर्स गया, रिवर्स। तो ये तो मतलब लॉस हो गया आप लोग का एक तरीके से। ऊपर से हमारे 2 छोटे बेंटम थे वो मर गए, तो ये काफी बहुत हो गया भाई, लॉस हो गया। लेकिन ये क्या लाइफ स्टॉक है, अल्लाह की मर्जी बोल दिए, बाकी सामने वाले का ईमान उनके साथ, वो तो कोई बात। लेकिन अगर अपने पास ये बकरे होते तो और वेट गेन कर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी जो हिसाब से अपने जो लोगों ने फरवरी में गेन किए थे ना जी, कि मेरी एक्सपेक्टेशन काफी मतलब थॉट से और एक दो बकरे से थी कि लोगों मैं सेल्फ फीडिंग पे 9500 के आसपास लेके जाऊं, लेकिन मतलब नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अभी भी कोशिश है, देखते अगर इतना का टाइम रहा और कोई अगर अपने पास रखता है इतना का तो 90-95 का अगर अपन ट्राई करेंगे, एक आध बकरा तो पहुंच ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये इस साल नहीं, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, जैसा रिपीट नहीं होना चाहिए। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से कि एक ऐसे बकरे तैयार करो सेल्फ फीडिंग लाइन 100 kg। स्टार्ट में एक सीख मिल गई, एक वो मिल गया, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया, ठीक है लॉस हुआ बट अच्छा एक्सपीरियंस हो गया भाई जी, कि पता है अभी के मतलब कैसा भरोसा करना चाहिए सामने वाले पे, तो ठीक है। तो माशाल्लाह कारोली कोटा है, और क्या डिटेल्स है सलमान भाई? ये अपना है 6 दांत पे जी, इसकी हाइट 39 कंफर्म है, 39 कंफर्म कंफर्म कंफर्म, कोई भी बोलेगा अपन वीडियो भेज देंगे भाई। और इसका जो ये है मेरे हिसाब से 38 तक के आसपास हाइट कर लेंगे, नहीं नहीं कर लेंगे भाई वीडियो, ऐसा कुछ वो नहीं, अगर कोई भी मांगता है तो अपन कर लेंगे। चलो आप अगर 38 बोल रहे हैं तो 38 मान लेते हैं, अगर 39 निकला उसके तो बाजू में निकल खड़ा है तो थोड़ा नहीं, वो एक्चुअली में ऐसा पूरा वो पोजीशन में खड़ा है ना, वो हिसाब से अगर वो स्ट्रेट खड़े रहेगा ना तो उसकी हाइट हिसाब से ज्यादा है, लेकिन हम लोग एक एक इंच कम ही बता रहे ताकि अगर सामने वाला आके देखते उसको हाइट ज्यादा मिली तो वो खुश हुए या कि निराश नहीं हो जाए कि भाई हाइट इन्होंने बताए थे 40 और निकली 39। तो इसका वेट कितना सलमान भाई? इसका वेट 65 kg भाई। ओके, तो माशाल्लाह 65 kg पे है, 38-39 हाइट है। और क्या आस्किंग प्राइस है इसका? आस्किंग प्राइस है बाय 40,000 नेगोशिएबल। ओके, तो माशाल्लाह कारोली कोटा है, सिंग वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, पूरी इंटैक्ट सिंग है, गोल घूमी भी जैसी कारोली कोटा की होनी चाहिए। और ये मतलब मारता नहीं, एग्रेसिव है, मारता नहीं, ये खेलता है, आप अगर इसकी रस्सी खोलोगे ना हाँ। मतलब जंप स्टार्ट हो जाएगा और खेलने लगेगा मारेगा नहीं बट खेलेगा। इसके बाद में आते ये वाले बकरे पे, ये तो काफी एग्रेसिव है माशाल्लाह। तो आमिर भाई इसके बारे में थोड़ा बताइए, बकरे के बारे में।
इसकी भाई हाइट 40 है, 40 हाइट है माशाल्लाह। और 6 दांत पे ही है ये भी, 6 दांत पे। ओके, इसकी झालर वगैरह माशाल्लाह काफी बेहतरीन है सामने। झालर के वजह से इसको 25 के दाम। मेरे हिसाब से ये था कि झालर अच्छी तो तैयारी में अपने को मतलब काफी वो हो जाएगी, तो वो हिसाब से अपने मतलब रखेंगे इंशाल्लाह। ये साल तो अगले साल, अगले साल इंशाल्लाह इसको अच्छे से तैयार करके अपन दिखा सके लोगों को। इसका रीजन मतलब इसका कोई मतलब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो अभी फिलहाल देने में? इसको मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट अगर कोई कस्टमर आता है मतलब अगर अच्छा भाव मिलता है तो भेज दे। अच्छा, अगर अच्छा कोई कस्टमर आता है जो शौकीन वगैरह हो जो रेट लगा सके तो उनको दे देंगे। ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक को निराश नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग ने बजट सीरीज भी दिखाई और ये सीरीज हम लोग इसके लिए बता रहे हैं कि थोड़ा अप साइड पे बकरे खरीदी में कुर्बानी के लिए दूसरे जानवर भी आएंगे तो वो भी आगे अपन शूट करेंगे भाई। ओके, ताकि लोगों को जो अपने समझ में आए अपने हिसाब से मतलब अपने पसंद से अपने शौक से ले सके। तो सलमान भाई आप बता रहे थे कि आपने खस्सी बकरों के लिए भी बाड़ा वगैरह बनाया, तो यहाँ पे तो खस्सी बकरे है नहीं? नहीं नहीं जी, खस्सी बकरे के साथ अगर कोई पलाई पे आता है तो मतलब अपन रखेंगे और मतलब इंशाल्लाह भी मतलब ईद के लिए खस्सी तो लेंगे ही कुर्बानी के लिए बेचने के लिए, तो वो हिसाब से खुद के भी अभी मतलब खस्सी बकरे बेचेंगे। क्योंकि अभी ऐसा हो गया भाई कि मतलब ये बकरे इतने मतलब ये चले गए थे रिवर्स में गए थे, इतने मतलब बीमार टाइप थे, तो उन लोग को ठीक करने में ऐसा कि परचेसिंग करने का मन ही नहीं किया कि भाई इन लोग ठीक हो जाए तो अपन फिर दूसरी चीज खरीदे और उन लोगों को मतलब तैयार करें। ओके, तो इसको तो देना नहीं है, तो माशाल्लाह अगर कोई आता है तो डायरेक्टली आप लोग अमीर भाई सलमान भाई से कांटेक्ट कर लीजिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। ये कितने दांत पे है अभी? 6 है ना, तो माशाल्लाह अभी तो और टाइम है इसके पास, आराम से गेन वगैरह करेगा। काफी अग्रेसिव भी बकरा, इसके नजदीक नहीं जा रहे हैं। अगर आमिर भाई ये बकरा रुकता है अपने पास एट प्रेजेंट क्या वेट पे खड़ा हुआ है ये? अभी ये 70+ ही है। 70+ है, तो क्या वेट तक जा सकता है आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के? एक साल अगर रुका है तो 100+ करने की तो 100 kg तक का आराम से सेल्फ फीडिंग पे। इंशाल्लाह तो इसकी स्किन वगैरह भी काफी लूज है माशाल्लाह, जगह काफी है बकरे में। ओ, इतना एग्रेसिव है, यही एक खासियत है लोगों को कोटा बकरे इसके लिए पसंद है, एग्रेसिव जो दिखाते हैं लोग अपना। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप अभी? नहीं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये सीरीज यहाँ पे एंड होती है। एक जो पलाई का बकरा है वो भी देख लेते हैं, लास्ट बकरा, ठीक है?